अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है पार्थिव शरीर को। बड़ी खबर बता दें, एनसीपीए में शाम 3:30 बजे तक अंतिम दर्शन लोग कर सकेंगे। उसके बाद आपको बता दें कि अंतिम संस्कार किया जाएगा और अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है पार्थिव शरीर को। तो मशहूर उद्योगपति रतन टाटा का निधन, अंतिम दर्शन के लिए तमाम दिग्गज पहुंच रहे हैं। एनसीपीए ग्राउंड लाया गया है पार्थिव शरीर और आज शाम बरली शमशान घाट पर अंतिम संस्कार होगा। रतन टाटा को भारत रत्न देने की भी मांग की गई है। शिंदे सरकार ने केंद्र से की है भारत रत्न देने की मांग। महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव पास हो गया है और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि सुबह से ही लोग यहाँ पहुँच रहे हैं और आज शाम 4 बजे वर्ली शमशान घाट में अंतिम संस्कार किया जाएगा। रतन टाटा एक वैसा कह सकते हैं आपकी रतन जो देश के लिए बहुत बड़ा एक नुकसान, रतन टाटा की अगर आप बात करें उपलब्धियों की, तो ऐसे उद्योगपति जो हर वर्ग के लिए हमेशा से सोचते रहे और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं भारत के अनमोल रत्न, और जो कि हमेशा ये देश याद रखेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी जो दरिया दिली रही वो शायद ही ये देश कभी भुला सकता है। हर वो वर्ग के लिए कोई अगर सोचता था तो वो थे रतन टाटा, वो कोई भूल नहीं सकता। हर वो मिडिल क्लास के लिए उन्होंने कैसे टाटा नैनो जैसी गाड़ी लाई और उसके बाद उनका यही सपना था कि देखिए जो स्कूटर पे घूमते थे वो 4-व्हीलर गाड़ी में अपने बच्चों के साथ अपने परिवार के साथ घूमे। तो ऐसे कई सारे भूमिका और ऐसे कई सारा योगदान उन्होंने इस देश के लिए दिया है। एनसीपीए में शाम 3:30 बजे तक अंतिम दर्शन करने के लिए लोग पहुंच सकते हैं। वहीं हमारे सहयोगी इंद्रजीत जुड़ चुके हैं। इंद्रजीत, तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, तमाम वो दिग्गज पहुंच रहे हैं और रतन टाटा कह सकते हैं कि भारत देश के लिए वो रत्न, शायद ही ये कमी इस देश में पूरा हो सकता है। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जहां पे उन्होंने योगदान नहीं दिया है। जी बिल्कुल, रतन टाटा जैसा रत्न पैदा होना बहुत मुश्किल होता है और ऐसे इंडस्ट्रीज देश में बहुत कम मिलेंगे। देखिए कि सुबह से जो उनके अंतिम दर्शन के लिए कतार लगी थी अभी तक कम नहीं हुई है। इसमें टाटा ग्रुप के एम्प्लॉय तो हुए ही, आम लोग भी बड़ी संख्या में यहाँ पर आ रहे हैं, जबकि हाई प्रोफाइल इलाका है, यहाँ पर सभी को आने की अनुमति नहीं है। इसके बावजूद देखिए कि किस तरह से बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग उनके अंतिम दर्शन के लिए आ रहे हैं। अगर VVIP की बात करें तो शरद पवार, सुप्रिया सुले, इसके अलावा अभी गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर आने वाले हैं, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे रात को हॉस्पिटल पहुँचे थे, फिर से आने वाले हैं। इसके अलावा अगर उद्योगपतियों की बात करें तो आनंद महिंद्रा, कुमार मलंगलम बिड़ला, मुकेश अंबानी, ये सब लोग यहाँ पर उनके अंतिम दर्शन के लिए आ चुके हैं। उनकी पॉपुलरिटी का आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। हम कुछ लोगों से भी बात करते हैं कि उनकी किस तरह की यादें हैं। हर किसी की कोई ना कोई कहानी है रतन टाटा से जुड़ी हुई। सर ये बताइए कि रतन टाटा से जुड़ी हुई आपकी क्या कहानी? मैं करीब 4-5 बार मिलना हुआ है रतन टाटा से पर्सनली। एक तो मैं करीब 40-42 साल से टाटा ग्रुप का शेयर होल्डर हूँ, हर मीटिंग में बोलता हूँ, जहाँ बिरला मातुश्री में रतन टाटा बोलते हैं, बाद में हम बोलते थे एज ए शेयर होल्डर, और जब मीटिंग से स्टेज से उतरते थे तो हम मिलने की कोशिश करते थे तो उनके बॉडीगार्ड हम रोकते थे, नहीं 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 नहीं, तो रतन टाटा का नज़र जाता था तो बोलते आओ आओ रुको, किसी को रोको नहीं, सब मेरे को मिल सकते। इतने हम्बल, इतने डाउन टू अर्थ और सरल व्यक्ति थे। और आज उन्होंने हमारी जो वेल्थ है, जो एज ए शेयर होल्डर इतनी मल्टीफोल्ड कर दी है, इतनी बढ़ा दी है कि हम कभी नहीं भूल सकते। उनकी शेयर होल्डर की जो वेल्थ बढ़ाई है उसमें से हमारे घर के कई प्रॉब्लम सॉल्व हुए, किसी की शादी, किसी की पढ़ाई, तो ये हम नहीं भूल सकते। और दूसरा, ब्रह्मा कुमारी संस्था में भी आए थे हमारा सेंटर में और माउंट आबू, तो वहाँ भी मुलाकात। लड़का भी है तो बेटा ये बताइए कि आपकी किस तरह की याद जुड़ी हुई है? आप देख रहा हूँ सुबह से ही यहाँ पर आए हुए हैं, क्या नाम है? सर मेरा गुड नेम आद्य है, मैं थाने से आया हूँ। जैसे ही मुझे आज सुबह पता चला रतन टाटा सर का डिमाइस हुआ है, आई वॉज कम्प्लीटली हार्ट ब्रोकन। मैं खुद खाना खा नहीं पा रहा था सुबह से, ताकि मेरी बहुत गहरी संबंध है रतन टाटा जी से। राइट फ्रॉम माय 5th स्टैंडर्ड मैं रतन टाटा जी सर को फॉलो करते आ रहा हूँ। आई वुड लाइक टू टेल यू वन स्टोरी। 5th स्टैंडर्ड में मुझे एक कार्य सौंपा गया था
एक थाने में, एक थाने डिस्ट्रिक्ट में एक विलेज है जहाँ की शिक्षण एंड स्वास्थ्य जो की परिस्थिति है वो बहुत विकट थी। मुझे स्कूल ने बताया था कि जितने भी हमारे टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट है उनको जस्ट रीच आउट करो एंड बताओ कि ये कंडीशन है इस जगह की। मैंने बहुत सारे नामीय हस्ती जैसे कि मुकेश अंबानी जी, फिर हमारे एडवांस एंजाइम जी के, एडवांस एंजाइम एक कंपनी है उधर के प्रेसिडेंट एंड CEO, ऐसे बहुत नामी लोगों को मैंने रीच आउट किया बट उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। रतन टाटा जी सर वॉज द फर्स्ट पर्सन टू रिस्पॉन्ड, उनका जस्ट 5 दिन में रिस्पॉन्स आया एंड उनके जो टाटा के जो एम्प्लॉयज थे वो उस गांव में उन्होंने फिर विजिट किया, देखा उधर के जो बच्चे एंड जो स्वास्थ्य है, उन्होंने फिर वहाँ पे फंड्स जमा की, अपने जो ग्रुप के जो वहाँ पे जो फंड्स होते हैं वहाँ पे उन्हें भेजा और उनकी जो स्कूल्स एंड ऑल है उन्होंने वहाँ के टीचर्स वहाँ पे भेजे ताकि वो देखिए कि उन्होंने न सिर्फ फंड की मदद की, एक्सपर्ट टीचर भेजा वहाँ पे, तो एजुकेशन में भी जो टाटा ग्रुप है उसका बहुत बड़ा योगदान है। काफ़ी काम किया है एजुकेशन में, इसके अलावा हेल्थ में काम किया है, तो हर कोई जो यहाँ पर आ रहा है उसके साथ रतन टाटा की एक कहानी है, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे टाटा ग्रुप का एम्प्लॉई हो, चाहे पुलिस के ही लोग क्यों न हो, हर किसी की कुछ न कुछ यादें जुड़ी हुई है। आपने देखा कि जब 26/11 का हमला हुआ था उसमें इतने सारे लोग मारे गए थे, इसके बाद रतन टाटा ने उनकी मदद के लिए एक ट्रस्ट बनाया, उनके परिवार वालों की मदद के लिए, इसके अलावा जो लोग घायल हुए थे उनकी मदद के लिए, तो कहीं ना कहीं रतन टाटा का हर किसी से नाता है। यही कारण है कि महाराष्ट्र सरकार ने एक दिन का शोक घोषित किया है, इसके अलावा जो उनका अंतिम संस्कार होगा वो राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा। इतना ही नहीं, आज कैबिनेट में प्रस्ताव पास किया गया कि उनको भारत रत्न की मांग की जाएगी, तो कई सारे जो डिमांड है वो सरकार की तरफ से की गई, तो उनकी वाकई जो योगदान रहा है यही वजह है कि हर कोई नम आंखों से उन्हें आज विदाई दे रहा है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। निष्पक्ष मतलब न्यूज।